जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज को, तो हमें एक का फ्लो और एक का क्या बोलते हैं, एक का फ्लो और एक का जो है कंपेयरिंग देखना होता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए यहाँ सेल्स और यहाँ टारगेट है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो टारगेट है ना वो सेम रहे और मेरा जो सेल्स है वो लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो जाए, ताकि हम अपनी सेल्स की फ्लो देख सकें। तो आप क्या करें, इसको राइट क्लिक कर करेंगे और यहाँ पे दिखेगा चेंज सीरीज चार्ट टाइप, चेंज सीरीज चार्ट टाइप, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने सेल्स और टारगेट जो दिख रहा है, आप किसको क्या चार्ट रखना है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मुझे टारगेट को तो कॉलम चार्ट रखना है, लेकिन सेल्स को मुझे रखना है क्या, लाइन चार्ट। तो यहाँ पे लाइन हो गया, यहाँ पे लाइन विथ मार्क हो गया, मतलब कि इस पे कॉर्नर पे मार्क नहीं है, इसके कॉर्नर पे मार्क है, सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए, ये आपके सामने मार्क आ जाएगा। तो दो तरह के चार्ट्स, लाइन एंड क्या बोलते हैं कॉलम चार्ट, इसको हम लोग कॉम्बो चार्ट कह सकते हैं। अगर आपको लगाना है कॉम्बो चार्ट ही लगाना है, तो आप सिलेक्ट करते हुए इंसर्ट में यहाँ आपके सामने कॉम्बो चार्ट दिख रहा है, अलग अलग तरह के कॉम्बो चार्ट दिख रहे हैं, आप लगा सकते हैं।